हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ बोल्ट ऑडियो K40 ईयरबड वर्सेस बोल्ट ऑडियो UFO ईयरबड। तो बोल्ट ऑडियो K40 वाला मैंने बाय किया था 999 रुपीज़ का अमेजन पर। डिफरेंट डिफरेंट सेलर से ये मेरे को 1399 1499 का सेल कर रहा है। जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं बोल्ट ऑडियो UFO देखने को मिल जाता है 1099 का अमेजन पर। इसके भी डिफरेंट डिफरेंट सेलर से ये मेरे को 1500 1600 का सेल कर रहा है। जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जब परचेस किया था ऑफर भी चालू था। कंपैरिजन में देखिए डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, माइक की क्वालिटी, स्पीकर की क्वालिटी, बैटरी लाइफ किसके अंदर ज्यादा देखने मिलता है, फास्ट चार्जिंग किसके अंदर सपोर्ट है, नॉइस कैंसिलेशन कितना देखने को मिलेगा, चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, वो साइड बाय साइड डिजाइन भी कंप्लीट कंपेयर करूंगा और लास्ट में मैं बताऊंगा कौन सा वाला आपको बाय करना चाहिए। तो सबसे पहले बॉक्स कंटेंट की बात करें तो बोल्ट ऑडियो K40 वाले के अंदर आपको देखने को मिलेगा सी टाइप चार्जिंग केबल, साथ में देखने को मिल जाता है एक यूजर मैनुअल, साथ में आपको ईयर टिप्स आते हैं कुछ, और साथ में हमारा आता है मेन ईयरबड का केस और इसके अंदर हमारे ईयरबड है। और वही बात कर लेते बोल्ट ऑडियो UFO वाले के अंदर कंप्लीट प्लास्टिक में रैप होकर आता है, तो इसके साथ में भी आएगी ईयर टिप्स सिलिकॉन मटेरियल के दिए गए, इसके अंदर भी आपको सी टाइप चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है, साथ में यूजर मैनुअल आता है और कुछ इस टाइप का डिजाइन इसका बोल्ट ऑडियो UFO वाले का कंप्लीट मैट फिनिश है। इधर बोल्ट की ब्रांडिंग है, इधर थोड़ी सी ग्लॉसी फिनिश दी गई है, सामने की ओर लाइटिंग इफेक्ट है, जब भी इसे ओपन करोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, इधर लाइटिंग इफेक्ट ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। RGB लाइट नहीं है, सिंगल लाइट इसके अंदर ओवरऑल देखने को मिल जाता है ऑरेंज कलर में। नीचे की ओर कंप्लीट मैट फिनिश है, बैक साइड में आपको चार्जिंग के डुअल पोर्ट दिए गए। और वही बोल्ट ऑडियो वाले की बात करें तो ये भी कंप्लीट मैट प्लस रबर फिनिश देखने को मिलता है। बोल्ट की ब्रांडिंग, इधर आपको चार्जिंग का पोर्ट देखने को मिल जाएगा, इधर चार्जिंग का इंडिकेटर दिया गया है, इसके अंदर दो ईयरबड पर साइड से लगेगा, दोनों के अंदर मैग्नेट चार्जिंग सपोर्ट दिए गए हैं। नीचे की ओर आपको चार्जिंग का पोर्ट देखने को मिल जाता है, बैक साइड से ओवरऑल कुछ इस टाइप का डिजाइन है। क्लोजअप लुक से बताऊं तो ये वाला साइज में थोड़ा बड़ा है, ये वाला साइज में आपको थोड़ा छोटा देखने को मिलता है। अंदर से रिमूव करता है ईयरबड, तो विदाउट ईयरबड के अंदर से केस कुछ इस टाइप के देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं ईयरबड की, तो इनके ऊपर लाइटिंग इफेक्ट है, थोड़ा गेमिंग वाला लुक है। इधर बोल्ट की ब्रांडिंग, मैट फिनिश, लाइट वेट है। वहीं इसके ऊपर कोई भी लाइट इंडिकेटर नहीं है, डुअल माइक देखने को मिल जाता है दोनों के अंदर। ये वाला आपको ट्रेडिशनल ईयरबड रहते हैं इस टाइप के डिजाइन बनाया हुआ, कंफर्टेबल दोनों आपको देखने को मिल जाते हैं, ईयर में परफेक्ट तरीके से दोनों बैठ जाते हैं। क्लोजअप लुक में दिखा देता हूँ साइज में कितना डिफरेंट है जिससे कि आपको पता चल जाए। अब बात कर लेते हैं माइक क्वालिटी के बारे में, तो अब आप जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हो बोल्ट ऑडियो K40 के माइक के थ्रू ही रिकॉर्ड की हुई है। तो आप जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हो ये मैं बोल्ट ऑडियो K40 ईयरबड के थ्रू रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ इस टाइप की इसकी माइक क्वालिटी। इतना बैकग्राउंड का नॉइस रिमूव होगा, इतना क्लियर वॉइस सामने वाले बंदे के पास जाएगा जब भी वो कॉल पे बात करेगा, तो आपको अंदाजा हो गया रहेगा इसका माइक क्वालिटी का। तो कुछ इस टाइप की माइक क्वालिटी आपको बोल्ट ऑडियो K40 वाले के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब आप जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हो वो बोल्ट ऑडियो UFO के थ्रू रिकॉर्ड की हुई है। तो आप जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हो ये मैं बोल्ट ऑडियो UFO ईयरबड के थ्रू रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ इस टाइप की इसकी माइक क्वालिटी। इतना बैकग्राउंड का नॉइस रिमूव होगा, इतना क्लियर वॉइस सामने वाले बंदे के पास जाएगा जब भी वो कॉल पे बात करेगा, तो आपको अंदाजा हो गया रहेगा इसका माइक क्वालिटी का। तो कुछ इस टाइप की माइक क्वालिटी आपको बोल्ट ऑडियो UFO के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब स्पीकर की क्वालिटी की बात करें तो दोनों हमारे बोल्ट ऑडियो के ब्रांड की ओर से आते, तो स्पीकर ऑलमोस्ट दोनों के अंदर पूरे के पूरे सेम ही देखने को मिलता है। साउंड क्वालिटी ऑलमोस्ट पूरी की पूरी सेम है, वो सेम क्वालिटी का आपको साउंड क्वालिटी इन दोनों के अंदर देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ के बारे में, उसके पहले चार्जिंग की बात करें तो ये कंप्लीट चार्ज हो जाता है 1.5 घंटे में, इसके अंदर कोई भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं। वही इसकी बात करें तो इसके अंदर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, तो 50 से 60 मिनट में ये कंप्लीट चार्ज हो जाता है। दोनों के अंदर 48 आवर 42 आवर मेंशन है, पर इतना बैटरी लाइफ नहीं मिलता, 40 आवर के करीब दोनों के अंदर बैटरी लाइफ मिल जाता है केस के साथ में। और विदाउट ओनली ईयरबड की बात करें तो ईयरबड में आप 6 से लेकर 5 आवर की बैटरी लाइफ मिलेगी, और इनके साथ बहुत ज्यादा सुन रहे वॉल्यूम भी फुल रखा हुआ तो 4 से 5 आवर भी मिल सकता है, वहीं आप बहुत कम वॉल्यूम में सुन रहे तो 7-8 आवर भी बैटरी लाइफ मिल जाता है। तो टोटली डिपेंड करता है यूसेज पे, और ओनली आप बस कॉल के लिए यूज करो तो आप आराम से 2-3 दिन तक भी बस यूज करो तो भी आपको बैटरी डाउन नहीं होगा, तो ये चीज आपको ओवरऑल बेनिफिट देखने को मिलता है ईयरबड में। दोनों के अंदर आपको डुअल मास्टर देखने को मिलता है, एक अलग डिवाइस से एक अलग डिवाइस से दोनों आप इजीली तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। दोनों के अंदर आपको लो लेटेंसी देखने को मिले 40 से 50 ms की, तो थोड़ा भी आपको वॉइस में हो गया, इंटरनेट में हो गया, एक डिले वगैरह नहीं देखने को मिला, गेमिंग परफॉर्मेंस भी एकदम बेहतरीन हो जाती है। और दोनों के अंदर जैसे कॉर्ड माइक ENC दिया गया, इसके अंदर भी आपको कॉर्ड माइक ENC क्रिस्टल है, नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिल जाता है। तो दोनों का ऑलमोस्ट पूरा सेम फीचर ही, ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं है, डिजाइन ही ऑनली डिफरेंट देखने को मिलता है, और ये वाला थोड़ा गेमिंग लुक बनाया हुआ है जिसके कारण और भी थोड़ा प्रीमियम लुक देखने को मिल जाता है। लास्ट क्वेश्चन है तो दोनों में से कौन सा वाला बाय करना चाहिए, तो आपका बजट ज्यादा तो आप ये UFO वाले की ओर जा सकते हो, जिसमें थोड़ी लाइटिंग वगैरह इफेक्ट है, थोड़ा सा ब्लैक कलर में देखने को मिल जाता है। वही आपका बजट कम है तो फिर आप बोल्ट ऑडियो K40 की ओर जा सकते हो। लुक वाइज प्रीमियम की बात करें तो ये वाला थोड़ा प्रीमियम है, थोड़ा ग्रे कलर है, मैट फिनिश है, तो आपको जो डिजाइन अच्छा लगे वो आप बाय कर सकते हो। तो कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो बोल्ट ऑडियो K40 देखने को मिलेगा 999 रुपीज का अमेजोन पर। डिफरेंट डिफरेंट सेलर से 1300 1400 का सेल करा, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा परचेस के ऑफर भी चालू था। वही बोल्ट ऑडियो UFO वाला आपको देखने को मिल जाता है 1099 रुपीज का अमेजोन पर। इसके भी डिफरेंट डिफरेंट सेलर से 1500 1600 का सेल करा, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा परचेस के ऑफर भी चालू था। तो आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, वीडियो अच्छा लगा जाता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।